महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। राज्य के जलगांव जिले की 40 गांव तहसील के बीच से गुजरने वाली तितुर नदी में अचानक बाढ़ आने की वजह से 40 गांव का आधा हिस्सा पानी की चपेट में आ चुका है। आज सुबह तड़के अचानक नदी में बाढ़ आने की वजह से यह हादसा हुआ है। यह दुर्घटना तब हुई जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। अचानक आई बाढ़ से किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से कुछ लोगों के बह जाने की भी आशंका जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ को भी मदद के लिए बुलाया है। इस बाढ़ में मुंडखेड़ा शिवरा इलाके से तकरीबन 200 मवेशियों के भी बह जाने की खबर है। 40 गांव तहसील में फिलहाल आफत की बारिश शुरू है, जिसकी वजह से गिरना बांध के नीचे बहने वाली गिरना नदी, अन्य सहायक नदियां और नालों में पानी भर चुका है। छोटे बड़े बांधों, झीलों और अन्य बांधों से बरसात का पानी छोड़ा जा रहा है। 40 गांव तहसील इलाके में कई गांवों में यह आफत की बारिश आधी रात से शुरू हुई, जिसकी वजह से मुंडखेड़ा, वाकली, रोकरे, पनगांव और बोड़खेड़ी गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि वाकली गांव से 2 ट्रैक्टर और 200 मवेशी भी बह चुके हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से 40 गांव कन्नड़ घाट पर भी चट्टान खिसक गई है, जिसकी वजह से सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ का पानी लगातार गिरना नदी में आ रहा है। फिलहाल जामदा बांध से 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो दोपहर तक और भी पानी छोड़े जाने की आशंका है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। गिरना नदी के किनारे बसे हुए तमाम गांवों को फिलहाल सावधान किया जा रहा है। तमाम नागरिकों से यह कहा जा रहा है कि वे ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। भड़गांव और पाचोरा तहसील में भी तकरीबन यही हालात हैं और यहां पर भी दोपहर तक बाढ़ जैसे हालात होने की आशंका प्रशासन ने जताई है। इन तमाम जगहों पर स्थानीय निवासियों से प्रशासन लगातार दूसरी जगहों पर जाने की अपील कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। फिलहाल प्रशासन लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।